स्टूडेंट्स आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 नोन द कीबोर्ड के बारे में बताऊंगी। देखिए कीबोर्ड का यूज़ हम किस लिए करते हैं। कीबोर्ड का यूज़ हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं। वी प्रेस द कीज़ ऑन ए कीबोर्ड टाइप वी कैन सी व्हाट ए टाइप ऑफ मॉनिटर। हम मॉनिटर में टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करते हैं, टाइप से हम टाइपिंग करते हैं। देयर इज़ ए स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन इन ऑन द मॉनिटर, दिस इज कॉल्ड ए कर्सर। जो स्मॉल मतलब सिंबल आपको दिखाई देता है मॉनिटर में, वो कर्सर होता है हमारा। एज वी टाइप द कर्सर मूव टू द राइट, जो है कर्सर को हम मूव करते हैं माउस से। सम इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड ऑन ए कीबोर्ड आर सो बिलो। आप देखिए कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं, ठीक है। सम कीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे फंक्शन कीज़ होती है। देखिए यहाँ पे फंक्शन कीज़ है आपकी, ठीक है। यह आपकी आई एस सी कीज़ होती है, आइस कीज़ बोली जाती है। ये आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, जिनमें आपका A to Z लिखा हुआ होता है, वो आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। इनको हम लेटर कीज़ भी बोलते हैं। ये सबसे लॉन्ग जो आपकी कीज़ होती है सबसे नीचे, उसको हम स्पेस बार कीज़ बोलते हैं। और ये जो आपकी कीज़ हैं, ये मॉडिफाइड कीज़ हैं। अब देखिए ये जो है आपकी, ये कर्सर कीज़ बोली जाती हैं। ये आपकी कर्सर कीज़ बोली जाती हैं। ये पेज को लेफ़्ट और राइट से देखने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये न्यूमेरिकल कीज़ बोली जाती हैं। इस टाइप की आपकी न्यूमेरिकल कीज़ बोली जाती हैं। और ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं, हम इनको नंबर कीज़ बोलते हैं। ओके, अब देखिए अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ की संख्या जो होती है वो 26 होती हैं। दीज कीज़ सो लेटर A to Z, इनमें A to Z लेटर जो है सो होते हैं। इन्हें जंबल ऑर्डर, ये जो है एक अपने व्यवस्थित ऑर्डर में नहीं होते हैं, जंबल्ड ऑर्डर होते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे होते हैं। वी यूज़ दीज कीज़ टाइप ऑफ लेटर, इनको हम लेटर टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। टू टाइप ऑफ वर्ड माउस प्रेस द कीज़ वन बाई वन, हम कीज़ को वन बाई वन प्रेस करेंगे, तो इस टाइप से हम माउस टाइप करेंगे। माउस टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले M को प्रेस करेंगे, फिर O को, फिर U को, फिर S को, फिर E को। इस टाइप से हम मॉनिटर मतलब स्क्रीन पे माउस लिखेंगे, माउस टाइप करेंगे। ओके, अब देखिए नंबर कीज़ क्या होती हैं। देयर आर टू सेट ऑफ नंबर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। नंबर कीज़ के टू सेट होते हैं कीबोर्ड में। दीज कीज़ सो नंबर फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 तक नंबर इसमें होते हैं। वी यूज़ नंबर कीज़ टाइप नंबर, हम नंबर कीज़ का यूज़ नंबर टाइप करने के लिए करते हैं। टू टाइप नंबर 108, नंबर टाइप देखिए 108 हम टाइप कैसे करेंगे। प्रेस द कीज़, पहले 1 हम टाइप प्रेस करेंगे, हम फिर 0 प्रेस करेंगे, फिर 8 प्रेस करेंगे, 1 by 1। इस टाइप से हम 108 टाइप कर सकते हैं। फिर देखिए ये एक्टिविटी से स्किल है, इसको आप खुद करने की कोशिश करिए। अब देखिए स्पेस बार का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। स्पेस बार इज़ ए लार्ज कीज़ ऑन ए कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की लार्ज की होती है। वी यूज़ द स्पेस बार टू गिव ब्लैंक स्पेस, हम ब्लैंक स्पेस के लिए इसे यूज़ करते हैं। बिटवीन वर्ड के बीच में, टू टाइप माई कंप्यूटर विद ए स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स प्रेस द कीज़। अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने माई कंप्यूटर टाइप किया है, तो माई कंप्यूटर और माई के बीच और कंप्यूटर के बीच हमने स्पेस यूज़ किया है, तो उस स्पेस को हम स्पेस बार से ही स्पेस सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा ब्लैंक स्पेस आता है लेटर के बीच में या वर्ड्स के बीच में। हम देखिए नंबर कीज़,
एंटर की, एंटर की क्या होती है, एंटर की हेल्प टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। द टाइप्स कैट एंड बॉय इन डिफरेंट लाइन्स प्रेस द कीज़। देखिए एंटर कीज़